दोस्तों, उत्तरी कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग के कट्टरपंथी और सनकपने से तो आप वाकिफ ही होंगे, लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो सनकी तानाशाह किम जोंग किसी को नहीं छोड़ता, वो भारत के खिलाफ कभी क्यों नहीं बोलता? तो चलिए आज जानते हैं इसकी वजह। दोस्तों, उत्तर कोरिया एक स्वतंत्र देश है और ये यूनाइटेड नेशन का सदस्य भी है। उसके बाद भी भारत उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम का कट्टर विरोधी है। वर्ष 2006 में उत्तर कोरिया ने पहले परमाणु प्रदर्शन किया था और उसके बाद से संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन दोस्तों, इसके चलते भी भारत और उत्तर कोरिया के बीच व्यापारिक संबंध में कोई बाधा नहीं आई थी। साल 2000 में भारत जहां $10 मिलियन का सामान उत्तरी कोरिया में एक्सपोर्ट करता था, वहीं 2013 आते आते ये संख्या बढ़कर 6 गुना हो गई। परंतु अभी हाल ही में 2017 में उत्तरी कोरिया से किसी भी तरह से व्यापार के लिए भारत ने बैन लगा दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि मई 2017 तक भारत उत्तरी कोरिया का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी में से एक था। लेकिन भारत को उत्तरी कोरिया से कई मामलों में दिक्कतें थी, जैसे कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को सपोर्ट करना, परमाणु परीक्षण करना आदि। दोस्तों, 1950 में कोरिया वॉर में भारत ने यूएन में उत्तरी कोरिया का विरोध किया था, परंतु उसके बाद भी भारत ने उत्तरी कोरिया में मेडिकल यूनिट्स भी भेजी थी। 2002-2004 में उत्तरी कोरिया में आए अकाल की स्थिति में भारत ने 2000 टन का अनाज भेजा था, और वहीं दोबारा 2010 में जब उत्तरी कोरिया ने अनाज की दिक्कत जताई तो भारत ने फिर से 1300 टन का अनाज भेजा था। भारत मुख्य रूप से उत्तर कोरिया को रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचता है, वहीं उत्तर कोरिया भारत को ऑटो पार्ट्स एंड सिल्वर इंपोर्ट करता है। भारत उत्तर कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भी शामिल होता है। उत्तर कोरिया के लिए भारत सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर होने के साथ ही फूड प्रोवाइडर भी है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2014 में भारत ने $7.85 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था, वहीं भारत ने $13.35 करोड़ का इंपोर्ट भी किया था। तो दोस्तों, यही कारण है कि किम जोंग भारत के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलता। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। उत्तरी कोरिया के बारे में आपका विचार क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।